हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। द डेफिनेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज वन इन विच द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्स आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल केविटी और यूट्रस। तो इसका मीन्स क्या है कि जो फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन है वो नॉर्मल यूटेराइन केविटी में ना होकर अदर देन यूटेराइन केविटी या एंडोमेट्रियल केविटी में होना, ठीक है। अब देखते हैं इसके इम्प्लांटेशन के साइट क्या क्या होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। इसमें फर्स्ट होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन और सेकेंड होता है यूटेराइन। तो जो यूटेराइन में जो इम्प्लांटेशन होता है वो कौन कौन सी जगह पे होता है, सर्वाइकल सर्विक्स के आसपास या इंटरनल ओस के आस पे पास में होता है। सेकंड है एंगुलर, थर्ड सिजेरियन, फोर्थ कॉर्नुअल। एंगुलर का क्या मतलब होता है, लेटरल एंगल ऑफ यूटेराइन केविटी। एंड सिजेरियन में कोई सिजेरियन स्कार हो वहाँ पे। एंड फोर्थ में कॉर्नुअल में क्या होता है कि जो यूटेराइन केविटी एंड फेलोपियन ट्यूब का जहाँ कनेक्शन होता है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होना। एंड एक्स्ट्रा यूटेराइन में क्या होता है, मेनली फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में होता है, देन ओवरी एंड एब्डोमिनल। तो मेनली ये फेलोपियन ट्यूब में ही होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अब देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में मेनली कहाँ कहाँ होती है, एम्पुला, इस्थमस, इंटरस्टिशियल स्पेस एंड इन्फेंडिबुलम। तो फेलोपियन ट्यूब में सबसे ज़्यादा एम्पुला में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है, उसके बाद इस्थमस में, उसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस में, फिर इन्फेंडिबुलम में, देन ओवरीज में एंड एब्डोमन में। एब्डोमन में भी दो तरह से होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में क्या होता है, इंट्रा पेरिटोनियल, मीन्स पेरिटोनियम के जो लेयर होती है उसके अंदर इसका इम्प्लांटेशन होता है, जैसे किसी ऑर्गन्स के पास में हो सकता है, जैसे लीवर या लीवर के आसपास में, ऐसे किसी ऑर्गन के आसपास हो सकता है इम्प्लांटेशन। और सेकंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्रॉड लिगामेंट, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम जो ब्रॉड लिगामेंट्स है उनमें हो सकता है और ये बहुत रेयर होता है। अब ये देखिए आप साइट ऑफ एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में, यहाँ पे ये इस्थमस में, देन एम्पुला एंड देन इन्फेंडिबुलम, ओवरीज में, पेरिटोनियल में, सर्वाइकल में एंड एब्डोमन में। अब देखिए जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दो डायग्राम दिखाए हैं, जिसमें एक डायग्राम में है नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो जहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जहाँ एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है वो साइट्स, सर्वाइकल, पेरिटोनियल, इंटरस्टिशियल, स्टेमिक, एम्पुलरी, इन्फेंडिबुलम, ओवरी एंड एब्डोमन। अब देखते हैं इसके कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में क्या, कौन कौन से इन्फेक्शन मेन कॉज होते हैं इसके, पीआईडी हो, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज। तो इसमें जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होती है ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जैसे कि साल्फिंजाइटिस होना या ओफ्राइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स या इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज। तो अगर एक बार अगर पीआईडी हो जाए तो उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस 10-15% हो जाते हैं कि भाई उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी 10-15% तक हो सकती है उसमें, ठीक है। और इन्फेक्शन में और कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं कि जैसे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी हो सकता है, जैसे क्लैमाइडिया, ट्रेकोमेटिस जैसे इन्फेक्शन में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। देन
उसके बाद में है यूजेस ऑफ IUCD। IUCD जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज जो वुमेन करती हैं उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, जैसे प्रोजेस्टासर्ट का यूज करना या फिर कोपेटी का यूज करना। तो इनमें क्या होता है, IUCD में कैसे होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, IUCD यूट्रस में प्लेस रहेगी तो यूट्रस का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, लेकिन बाय चांस स्पर्म अगर IUCD को क्रॉस करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वहीं इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और क्या क्या हो सकता है, OCPs में हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो फीमेल OCPs लेती हैं, लेकिन उसमें बहुत लिस्ट रिस्क होता है OCPs में। देन है ट्यूबल सर्जरी, ट्यूबल सर्जरी भी मैक्सिमम रिस्क होता है इसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्यूबल सर्जरीज में, जैसे ट्यूब्स फेलोपियन ट्यूब्स की कोई सर्जरी है जैसे ट्यूबोप्लास्टी या सल्फिंगोटोमी हो तो उसमें भी चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इंट्रापेल्विक एडेजन। इंट्रापेल्विक एडेजन क्या होता है कि जो किसी सर्जरी के कारण या के कारण जो वहाँ की जो मसल्स या टिश्यू है वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स में मूवमेंट नहीं होता, उसमें मोटिलिटी नहीं होती है। देन है स्टेलाइजेशन फेलियर, स्टेलाइजेशन फेलियर की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। देन है ART ट्रीटमेंट, मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो जो IVF वगैरह होता है जैसे कि ओवुलेशन इंडक्शन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, इन सब में या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इनमें भी रिस्क होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। फिर देखते हैं कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट, जैसे कंजेनाइटल या ट्यूब्स में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो तो उसके लिए भी कोज हो सकता है, जैसे कि कंजेनाइटल डिफेक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे सल्फिंजाइटिस इस्चेमिक नोडोसा। इसमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब्स कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, नॉन इन्फ्लामेटरी डाइवर्टिकुलाई, डाइवर्टिकुलाई मीन्स जो उसकी जो वाल है फेलोपियन ट्यूब की वो स्वेल हो जाती है, बल्ज आउट हो जाती है, पाउच की तरह बन जाती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एलोंगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, मतलब फेलोपियन ट्यूब्स की लॉन्ग लेंथ बड़ी भी हो कंजेनाइटली तो उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर असेसरी ओस्टिया हो, जैसे उसमें एक्स्ट्रा होल हो, कोई एबनॉर्मलिटी, कोई एबनॉर्मल होल हो उसकी वॉल में तो उसमें भी चांसेस होते हैं। उसके बाद में है प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगली प्रेगनेंसी में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। देन एंड्रोमेट्रियोसिस, एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम डेवलप अदर साइड ऑफ यूट्रस, इसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। एडवांस एज में क्या होता है कि वुमेन्स की जो ज़्यादा एज की होती है जैसे मोर देन 40 ईयर्स या 35 ईयर्स की एज में, तो इसमें क्या होता है कि हार्मोनल डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो सीलियरी मूवमेंट्स होता है फेलोपियन ट्यूब में वो डिक्रीज होने लग जाता है। एंड देन सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग भी सीलिया को डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और क्या क्या कोज हो सकते हैं, जैसे कि पोस्ट अबोर्टल सेप्सिस भी इसमें कोज हो सकता है, और या फिर परप्यूरियल सेप्सिस भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोज हो सकता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। अब देखते हैं कि फैट ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी, कुछ फैट देखते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी के। फर्स्ट है ट्यूबल मोल, सेक इज अराउंडेड बाय ब्लड क्लॉट एंड रिटेन। इसमें क्या होता है कि जो
सेक होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही फिक्स हो जाता है और उसके अराउंड ब्लड क्लोट और ब्लड इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक मोल जैसा बन जाता है। सेकेंड है ट्यूबल अबॉर्शन। ट्यूबल अबॉर्शन में क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी का अबॉर्शन होना, इस नॉर्मल प्रेगनेंसी में जाइगोट यूट्रस में टर्न होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्यूब अबॉर्शन में कंसेप्शनल मटेरियल डिटैचमेंट होकर फिम्ब्री की तरफ मूव करता है तो और पेरिटोनियल कैविटी में जाता है, ठीक है, और जिससे क्या होता है कि जो डिटैचमेंट उसका होता रहता है वैसे वैसे उसकी ब्लीडिंग भी होती रहती है, ठीक है, और वो ब्लीडिंग डगलस पाउच में कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, और ये जिसकी तो वो जाइगोट अगर फिम्ब्रिया के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा तो उससे सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के भी चांसेस हो जाते हैं कि भाई वो कहीं और जाके वो जाइगोट अटैच हो जाए और वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे। देन थर्ड है ट्यूबल रप्चर। और हाँ, ट्यूबल अबॉर्शन मेनली एम्पुलरी पार्ट में होता है फेलोपियन ट्यूब के, ठीक है, और थर्ड है ट्यूबल रप्चर। ट्यूबल रप्चर मेनली इस्थमस पार्ट में होता है क्योंकि ये नैरो पार्ट होता है और थिन वाल होते हैं यहाँ की, है ना, इसकी वजह से, और ये मेनली 6 to 8 वीक तक ही इसमें प्रेगनेंसी चल सकती है। 6 to 8 वीक के बाद में ट्यूबल रप्चर हो जाएगी, ट्यूब ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो रप्चर इन एंटी मिसेंट्रिक बॉर्डर एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब रप्चर होने के बाद में इसमें दो कोज हो सकते हैं, जैसे रप्चर एंटी मिसेंट्रिक बॉर्डर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग एंड इंट्रा, मतलब जो ओवम या एम्ब्रियो होता है वो ट्यूब के रूफ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग इंट्रा पेरिटोनियल जो स्पेस होता है वहाँ पे हेमरेज के चांसेस होते हैं। और सेकंड होता है कि जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, जिसमें क्या होता है कि जो जाइगोट या एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब के फ्लोर या फ्लोर पे होता है, उसकी वजह से ब्रॉड लिगामेंट्स में या फिर ब्लीडिंग एक्स्ट्रा पेरिटोनियम स्पेस में होती है और या फिर ब्रॉड लिगामेंट या इंट्रा लिगामेंटम एरिया में हेमेटोमा होता है। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट इमेज है वो है ट्यूबल अबॉर्शन की, इसमें ये ओवम फिम्ब्रियो के थ्रू बाहर निकल रहा है एंड ब्लीडिंग हो रही है, एंड सेकंड है ट्यूबल रप्चर। देन अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले देखते हैं हम कि इसके 3 ट्राइड बनते हैं, 3 A's, एमिनोरिया, एब्डोमिनल पेन एंड एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि एमिनोरिया प्रेजेंट होता है वुमेन में, ठीक है, उसके बाद में एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, और उसके बाद में एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्राइड है, क्लिनिकल ट्राइड बोलते हैं इसको, और जो पेन होगा उसके एब्डोमेन में वो सीवियर नाइफ लाइक पेन या कोली की पेन होता है। और क्लिनिकल फीचर हम देखते हैं तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग, फेंटिंग, डिजीनेस, ठीक है, लुक सिक, वो सिक दिखाई देगी, पेलर या एनिमा होगा उसको, टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, शोक होगा पेशेंट को, तो जो शोक की कंडीशन होगी उसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन, ठीक है, और क्या होगा शोक में, कोल्ड, उसकी एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एंड क्लेमी फील होगी, ठीक है, और क्या देखते हैं, शोल्डर टिप पेन। तो शोल्डर टिप पेन एसोसिएटेड होता है एब्डोमिनल पेन से, ठीक है, जब एब्डोमिनल पेन होगा तो वो पेन रेडिएट होके शोल्डर तक होगा उसका पेन, ठीक है। सेकंड है कुलेन साइन। कुलेन साइन में क्या होता है, ये कब देखने को मिलता है, ये जब रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें देखने को मिलता है,
तो कुल्लन से पैरा, इसमें क्या होता है कि पैरा अम्बिलिकल एरिया होता है उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का। देन देखते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा और एब्डोमन टेंडरनेस देखने को मिलेगी पेशेंट में, ठीक है। एंड उसके बाद में देखते हैं हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होते हैं पेशेंट में। इसमें हम करेंगे बीटा एससीजी का लेवल चेक करेंगे एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखेंगे पेशेंट में। तो ये दोनों बढ़े हुए मिलेंगे हमको, एससीजी का लेवल भी इंक्रीज मिलेगा एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में करेंगे पेल्विक एग्जामिनेशन। तो पेल्विक एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं पेशेंट का कि पेल वेजाइनल म्यूकोजा, ठीक है, और जो यूट्रस का साइज है वो भी थोड़ा चेंज मिलेगा और टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है, सर्वाइकल टेंडरनेस मिलेगी। और देन अब फिर उसके बाद में करेंगे ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में क्या क्या करेंगे, एच बी ए बी आर एच ग्रुप, टोटल डब्ल्यू बी सी काउंट और ई एस आर। तो टोटल डब्ल्यू बी सी काउंट भी इंक्रीज मिल सकती है और ई एस आर भी इंक्रीज मिल सकता है। देन उसके बाद में हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हमको क्या दिखेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी और यूटेराइन कैविटी एम्प्टी दिखेगी। इसमें मेनली टीवीएस अल्ट्रासाउंड की जाती है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसमें हमको एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को इसमें दिख सकती है इजीली, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स में इसको इससे देखी जा सकती है इजीली। देन उसके बाद में कुल्डोसेंटेसिस। कुल्डोसेंटेसिस क्या होता है कि जो डगलस पाउच होता है उसमें से उसके फ्लूड को एस्पिरेट किया जाता है, ठीक है, और उस फ्लूड को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अगर उस फ्लूड में ब्लड कंटेन है तो वो रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन है, ठीक है। देन है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में थ्रू वुमेन के एब्डोमेन से इंसिजन लगा के टेलीस्कोप को इंसर्ट किया जाता है और उससे फेलोपियन ट्यूब्स या अदर ऑर्गन को डॉक्टर देखता है, ठीक है, और ये एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। मैनेजमेंट में सबसे पहले हम रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी का देखते हैं मैनेजमेंट। इसमें क्या हम करेंगे, रिससिटेशन करेंगे फर्स्ट। तो रिससिटेशन में क्या करेंगे हम पेशेंट के, फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट में ना, और ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे क्योंकि पेशेंट में शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए फ्लूड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद में लेप्रोटोमी करेंगे। लेप्रोटोमी के थ्रू वही लेप्रोटोमी स्मॉल इंसिजन एब्डोमेन पे लगा के उसके बाद में उसके साल्पिंजेक्टमी का प्रोसीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। साल्पिंजेक्टमी क्या होता है, कट द फेलोपियन ट्यूब अफेक्टेड पार्ट विद प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के उस पार्ट को कट करना जो अफेक्टेड है और जिसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ठीक है, या फिर सब टोटल हिस्टेक्टमी भी की जा सकती है। देन देखते हैं अनरप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी का क्या मैनेजमेंट होता है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट कब करते हैं पहले ये देखते हैं, जब कंसेप्शनल प्रोडक्ट की साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर होती है तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मीथोट्रेक्सेट देते हैं पेशेंट को,
ठीक है, IM इंजेक्शन देते हैं मीथोट्रेक्सेट 50 mg पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। ये क्या काम करेगा कि ये मीथोट्रेक्सेट सेल डिवीजन को स्टॉप करेगा, ठीक है, और इसको इसको देने के बाद में फिर इसको या तो अल्टरनेट डे पे दे सकते हैं या फिर इसको एक डोज देने के बाद में वापस बीटा HCG का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। और मीथोट्रेक्सेट के साथ साथ में हम प्रोस्टाग्लैंडिंस भी दे सकते हैं, मेफीप्रिस्टोल भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर वैसोप्रेशन भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में ये इसमें कब करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, जब कंसेप्शनल प्रोडक्ट का साइज मोर देन 4 cm होता है, तो इसमें दो तरह से करते हैं, एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लिकेशन को और होने से प्रिवेंट करना। तो इसमें क्या करते हैं, ओनली जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट होता है उसी को ही रिमूव करते हैं। तो इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में कौन से मैनेजमेंट करते हैं, फर्स्ट तो कर सकते हैं हम साल्फिंगोस्टोमी। साल्फिंगोस्टोमी में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को ओपन करके और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, और जो ओपनिंग हुई है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और सेकंड अब इसको कर सकते हैं साल्फिंगोटोमी। साल्फिंगोटोमी में क्या होता है कि वो उसी की तरह सेम इंसिजन लगाया जाता है और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव किया जाता है एंड देन वापस इस पर सूचरिंग की जाती है फेलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक और कर सकते हैं हम कि सेगमेंटल सेक्शन ऑफ एनास्टमोसिस। इसमें क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब का जो अफेक्टेड पार्ट होता है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसको कट करके एंड टू एंड एनास्टमोसिस कर दिया जाता है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा मैनेजमेंट करते हैं। इसमें करते हैं साल्फिंगजेक्टमी। साल्फिंगजेक्टमी क्या होता है कि कट द फेलोपियन ट्यूब अफेक्टेड पार्ट विद प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है विद प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के साथ में। अब देखते हैं इसके कुछ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर द मदर्स वाइटल साइंस, हार्ट रेट एंड रिदम, ब्लड प्रेशर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीथिंग। सेकेंड मॉनिटर द फीटल हार्ट टोन एंड असेस फीटल मूवमेंट्स। थर्ड मॉनिटर ब्लड लॉस वॉल्यूम। मॉनिटर थेरेपी क्लोजली फॉर द पेशेंट थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स। देन मॉनिटर क्लोजली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू थेरेपी। देन कीप द पेशेंट फैमिली एंड केयर गिवर विल इन्फॉर्म फॉर द प्लान ऑफ केयर एंड द रिमेनिंग टाइम एंटिसिपेटेड बिफोर डिस्पोजिशन। ओके, थैंक यू।